तो आज हम आपको दिखाएंगे नागलोई मुंदका रोड का हाल। इसे रोहतक रोड के नाम से भी जाना जाता है। सड़क दिल्ली को हरियाणा से जोड़ती है, पर सड़क पे इतने गड्ढे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये नागलोई मुंडका रोड है। काफ़ी चौड़ी सड़क है। चार लेन की सड़क होने के बावजूद इस्तेमाल मुश्किल से दो लेन पर ही हो पाता है। बाकी दो लेन की सड़कें पूरी तरह से जर्जर है। ज़रा देखिए किस तरह सड़क के गड्ढों से गाड़ियां हिचकोले खाती हुई निकल रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सड़क काफ़ी दिनों से ख़राब है, पर कोई सुध लेने वाला नहीं। इलाके के लोग बताते हैं कि चार महीने से सड़क जस की तस है। सर ये तो लमसम देख लो कि तीन चार महीने से ऐसा ही देख रहा हूँ मैं तो। पहले भी खराब थी। हाँ जी। तो क्या होता है यहाँ पर? ऐसे ही है, कोई गिर जाता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट, वो गाड़ी पलटी हो जाता है। छोटी मोटी गाड़ी हो तो तीन ई रिक्शा होता है, जो निकलने को नहीं होता सर। अच्छा, तो ठीक करने नहीं आया? नहीं, इसको तो चार महीने से मैं ऐसे ही देख रहा था। अब जरा सड़क के किनारे सर्विस रोड को देखिए। सर्विस रोड में गड्ढे और कीचड़ है। कमरुद्दीन नगर अमर कॉलोनी में भी बुरा हाल नजर आ रहा है। नालों पर कोई कवर नहीं है और ना ही सफाई का नामो निशान है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो सड़क पर कुछ मलबा डालकर गड्ढे भरे नजर आएंगे, जिस पर जैसे तैसे गाड़ियां रेंगती हैं। राजधानी पार्क मेट्रो के नीचे बारिश के बाद भारी जल भराव होता है, पर दिल्ली के डेवलपमेंट के हजारों करोड़ का अंश भी यहाँ नहीं पहुँच पाता। ये 22 साल हो गए दिल्ली में रहती हुई, ऐसी हमेशा ऐसी रहती है, कभी जुड़ती कभी ठीक होती है, फिर चार दिन बाद फिर तोड़ दी जाती है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ अभी बारिश के दिनों में तो काफ़ी मुश्किल। बारिश के दिनों में यहाँ से मुंडका मोड़ से लेके यहाँ तक राजधानी लोकेश तक जाम ही लगा रहता है पूरा। अच्छा। हाँ, हमारा घर अमल कॉलोनी में है। हाँ। मैं अंदर अंदर निकलता हूँ मुंडके के लिए। अच्छा। हाँ, हमारे जूते की फैक्ट्री है। हाँ। मुंडके में। अच्छा। तो मैं रोड पर जाके अंदर अंदर निकलता हूँ, इतना जमा होता है पानी का, इतना इतना पानी बच जाता है यहाँ पे। इस सड़क पे? इस सड़क पे। ये तो हो गया 3-4 साल हो गया जी टूटे हुए। अच्छा। हाँ जी। नहीं बनती है अभी? बनी नहीं है, काम चली नहीं है, सरकार के ध्यान नहीं जा रही है। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सड़क हम बना रहे हैं दिल्ली में। बना रहे हैं जी, थोड़ा काम हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है जी काम, धीरे धीरे। हाँ जी। सड़क के हालात आगे भी खराब ही नजर आए। जहाँ तहाँ गड्ढों में मिट्टी डालकर इसे चलने लायक बनाया गया है। इस वक्त मैं नांगलोई मुंडका रोड पर हूँ। ये दिल्ली की सड़क है और दिल्ली की सड़क में आप देख सकते हैं कि कितने गड्ढे हैं। ये 2-4 दिन पहले इन मलबों को डालकर गड्ढों को पाटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सड़क अभी भी चलने लायक नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक, जो यहाँ पर बिल्कुल रफ्तार से जानी चाहिए थी, बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है। सड़क बिल्कुल ख़राब है। लोग जो गाड़ियों में जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हालत अच्छी नहीं है सड़कों की, जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। पीछे नांगलोई से अगर आप चलें तो बिल्कुल दो लेन के बाद जो सड़क है बिल्कुल टूटी हुई सड़क है। साथ ही ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर सर्विस रोड तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। सर्विस रोड के लिए सिर्फ जगह भर है, लेकिन वो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि सर्विस रोड कहीं हो, जबकि ये इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर सर्विस रोड भी उतनी दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो मुख्य सड़क अच्छी है और ना ही सर्विस रोड का कोई नामो निशान है। हालांकि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में दावा किया जाता है कि डेवलपमेंट काफ़ी अलग तरीके का किया गया है, दिल्ली डेवलपमेंट का मॉडल के तौर पर उसको बताया जाता है, लेकिन सड़कों का ये भी एक मॉडल है और ये दिल्ली की ही सड़कें हैं। मुंडका रेलवे स्टेशन के नीचे भी सड़क पूरी तरह से जर्जर है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं जो गाड़ियों को हिचकोले खिलाती है। ये हाल कई साल से है, पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इस वक्त हम मुंडका मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे खड़े हैं और देख सकते हैं यहाँ की सड़क का हाल, किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर हिचकोले खाती हुई चलती है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफ़ी कम रहती है। हालाँकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल जा रही हैं, लेकिन देखिए कि किस तरह से गाड़ियों को झटके लगते हैं। ये दिल्ली की सड़क है और चूंकि आज बारिश नहीं हुई है तो थोड़े हालात ठीक हैं। अगर बारिश हो जाए तो इन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जल भराव भी होते हैं।
ये सड़क की हालत है। भाई साहब आप यहाँ से गुजरते हो क्या? आप इस रोड से गुजरते हो? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, कैसी लगी सड़क यहाँ से? आया था यहाँ पे 2 साल पहले भी आया था, लेकिन ये 2 साल पहले जो हाल था वही हाल आज भी है। मतलब सड़क कैसी लगी आपको? सड़क तो वैसी है जैसी 2-3 साल पहले थी। मतलब बिल्कुल ख़राब है, बदहाल बदहाल हाल है। तो देखिए कि चूँकि जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो आराम से चली जा रही हैं, लेकिन आम तौर पर अगर यहाँ बारिश हो जाए तो निकलना मुश्किल होगा। भाई साहब ये बताओ कि कैसे कब से हाल है रोड का? भाई साहब हम तो जब से देख रहे थे यही हाल है, हर बरसात में ही हाल रहता है इस रोड का। बार बार लोगों की शिकायत के बावजूद ये नांगलोई मुंडका रोड है और इस पूरी सड़क पर करीब करीब यही हालत जो है देखने को मिल रही है। आगे बढ़कर हम रानीखेड़ा मोड़ पर पहुंचे, लेफ्टिनेंट विक्रांत लाकडा मार्ग पर। शहीद के नाम पर सड़क का नाम तो रख दिया, पर सड़क शहीद की आत्मा को चढ़ाती हुई नजर आती है। इस वक्त मैं रानीखेड़ा मोड़ पर हूँ। ये मुंडका नांगलोई की सड़क है और यहाँ से सड़क मुड़ती है। ये देख सकते हैं कि सड़क की क्या हालत है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ सड़कों में। ये कब से ऐसी हालत है? ये कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, और यहाँ पानी भर जाता है, स्कूल के आगे भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, बच्चे भी पानियों में से निकल के जाते हैं, बहुत गंदम हो जाता है यहाँ पे। तो कोई ठीक कराने नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ, कौन आता है? कोई भी नहीं आता यहाँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी बोले थे अच्छी सड़क बनवा रहे हैं। अरे कुछ नहीं बनवा रहे, क्या बनवा रहे? बनवा रहे होते तो अभी ऐसा होता यहाँ, आगे तक 1-1 किलोमीटर तक गड्ढे पड़े पे, एक्सीडेंट हो जाते हैं जगह जगह अभी यहाँ पे, रोज बच्चे भी यहाँ टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं। मैडम आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, क्या हालत है सड़क की? पानी भर जाता है भैया, पानी भरा हुआ है, आगे भी पानी भरा हुआ है, चलना निकल हुआ है। हाँ, मुश्किल हो जाती है निकलना। अभी तो DTC बस चलती है, पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये आगे जाके आगे अभी भी रोड पे पानी है? हाँ अभी है आगे जाके पानी। यहाँ पर ये सब सड़क कब से टूटी हुई है? ये तो टूटी हुई है, देख ही रहे आपको, पानी भर जाता है जब भी थोड़ी सी बारिश हो कि जाम हो जाती है। भैया आप लोग ई रिक्शा चलाते हो, ये सब कैसे पार करते हो? बहुत मुसीबत से कर पाते हैं सर जी। अच्छा, अब ब्रेक ले लेके करना पड़ते हैं। तो गिर पड़ भी जाते हो? कभी गिरती भी हुई गाड़ियां कहीं? जब बारिश आते हैं तो पानी ज़्यादा डूबा हुआ रहते हैं तो पलटी भी मार सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा गड्ढा है ना यहाँ पर? तो गड्ढे तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सारी सड़कें जो हैं ये PWD विभाग की सड़क है, दिल्ली सरकार के माथा सड़कें हैं, लेकिन सड़कों की हालत यही है कि लोग बता रहे हैं कि जब से अंडरपास बना है तब से कभी पानी सूखा नहीं, पानी की कभी कोई कमी नहीं हुई। चलते हैं अंडरपास भी और वहाँ भी देखते हैं कि वाकई क्या अभी हालत है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इस इलाके में शायद बारिश नहीं हुई है। उसके बाद भी देखते हैं कि क्या वहाँ पानी सूखा है या अभी भी पानी उसमें मौजूद ही है। लोगों ने बताया कि रानीखेड़ा की ओर जाने वाले रोड पर अंडरपास में हमेशा पानी रहता है, सड़कें भी ख़राब हैं, तो हम भी निकल पड़े सड़क को देखने के लिए। वाकई अंडरपास के करीब सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। ये सड़क जो है रानीखेड़ा की तरफ जाती है मुंडका की तरफ से, और ये अंडरपास है। इस अंडरपास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमेशा पानी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। हम ये डेली हमारा रूटिंग रोड है, हम सुबह शाम मतलब हमारे को आना जाना होता है, तो इस रोड पे आके एक तो अंधेरे से टाइम में बड़ा डर लगता है और पानी से तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और रोड के हालात आप देख ही रहे हैं। ये देखिए सर कितनी बड़े बड़े व्हीकल आए हुए हैं, कैसे बस जा रही है। ये देखिए बस कैसे जा रही है, देखिए दो पहिया वाहन कैसे जा रही है, ये देखिए कार कैसे जा रही है, ये देखिए बस कैसे जा रही है, चालक देखो वो भी यही कह रहे हैं। बताओ क्या कह रहे हैं कि इसका भाई रोड के ऊपर कुछ सोचो, देखो बनवाओ रोड को, तो कितना लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैक्टर का चलना भी इस सड़क पर मुश्किल है, ट्रैक्टर भी जहाँ से नहीं निकल पा रही हो सही से, तो सड़क की क्या हालत होगी। ये मतलब पानी हमेशा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, जरा सी दो बूंदे गिरी गिरते ही रोड पे पानी पूरा, गाड़ियां ब्लॉक हो जाती है, रोड पूरा जाम हो जाता है। इतना बड़ा गड्ढा, इसमें तो लोग गिर जाते हैं? बिल्कुल, काफी बार लोगों को चोट लगी है, 2-व्हीलर को काफी, मतलब एक तो हमारे सामने की बात है, एक छोटा सा बच्चा ही गिर गया इनकी गोद से पानी में। अच्छा, यहाँ काफी पानी भरा हुआ था रोड पे गिरते हुए, उसमें खड्डे में टहरा बेचारे का गिर गया, बाकी और पब्लिक ने उनको भाग के उठाया बेचारे को। ये कोई इसे ठीक कराने वाला नहीं है? नहीं, MCD तो कोई सुनता है नहीं, कोई करने वाला नहीं, बहुत बुरा हाल है। ये हो गया रानीखेड़ा हो गया, और ये अपना इसको क्या कहते हैं कराला का रोड, ये आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है, जैन नगर तक बिल्कुल टूटा हुआ है। डेली की डेली कोई ना कोई गाड़ी टूटती है, खराब होती है, उसमें बंदे मरते हैं गिरते हैं। देखिए ये ई रिक्शा कैसे पार कर रहा है, देखिए ई रिक्शा को कितनी, ई रिक्शा को दिल्ली में बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे गाड़ियाँ चलेंगी तो फिर लोगों की जान माल को भी खतरा है। लोग इस रास्ते से गुजरते हैं,
और चूंकि ये रास्ता दो मुख्य जगहों को जोड़ता है इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रास्ते काफ़ी टूटे हुए हैं और लोग मुश्किलों में सफ़र करने को मजबूर हैं। लोगों ने कहा कि अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहता है और वाकई अंडरपास में पानी भरा नज़र आया। सचमुच में हम अंडरपास पर जब पहुँचे तो वहाँ हमें पानी नज़र आया। ये लोगों ने शिकायत की कि इस अंडरपास में पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो पानी अभी भी नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी धीमी धीमी लाई जा रही है क्योंकि गड्ढा भी काफ़ी ज़्यादा है और बीच में पानी चूंकि इकट्ठा है तो इस वजह से भयभीत होकर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर बारिश हो जाए, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आप फुटपाथ पर भी नहीं चल सकते। देख सकते हैं कि ये फुटपाथ किस तरह से खुला हुआ है, इसके जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जगह जगह इसे ये टूटा हुआ है, काट करके इससे गंदगी निकाली गई है लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। ये देखिए कि कैसे गाड़ियाँ गुजरती हैं। और ये एक बड़ा सवाल है कि जब सरकार डेवलपमेंट के मॉडल की बात करती है तो फिर ये कौन सा मॉडल है, आखिर ये इलाका उस डेवलपमेंट से क्यों अछूता है। लौटते हुए भी सड़क के हालात बदतर नजर आए, सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी, बीच बीच में गड्ढे नजर आए जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। थोड़ी दूर पर आसाम टिम्बर मार्केट नजर आई लेकिन टिम्बर मार्केट की सड़कें जलमग्न दिखी। अब हम हैं आसाम टिम्बर मार्केट नांगलोई में। ये सड़क जो है देखिए, ये टिम्बर मार्केट की ओर सड़क जा रही है और इसमें पानी बिल्कुल बता रहे हैं कि लगातार भरा हुआ है, काफ़ी दिनों से भरा हुआ है। क्यों पानी भरा है भैया? ऐसा है सर, थोड़ा बहुत तो बारिश हुआ, लोग क्या करते हैं अपने निकास नहीं कर रखे हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि अपने गोदाम से पानी निकाल के छोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसे पाइप चलते रहता है। हाँ। इसी भर रहता है, उसे पब्लिक आना जाना दिक्कत होता है जी। अच्छा। ये तो होना चाहिए बस। अच्छा, ये पूरा पानी ये गोदाम से निकल रहा है, अंदर जो गोदाम है। हाँ, जो पानी नीचे गया है, नाली वाली की निकास है नहीं, इसीलिए पानी गोदाम के भर जाता है तो लोग मोटर से। गोदाम में तो सामान भी नुकसान होता होगा। हाँ, सामान नुकसान होता है, वो क्या करेंगे, होता है नुकसान। अच्छा। हाँ, तो ये बड़े बड़े गोदाम है अंदर? अंदर है, वो अंडरपास जिसे नीचे बिस्मिन बना रखे ना। हाँ, तो पानी भरा रहता है, पानी निकाल रहे, पानी घुस जाता है। देखिए देखिए सड़कों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखिए ये काफी बिल्कुल ये देखिए इधर, ये देखिए इतना बड़ा। क्या नेता लोग आते हैं, घूमते नहीं है, अपना जीत के अपना कुर्सी बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं भाई। अच्छा। बस अपने बस खाली वोट के लिए अपना आते हैं चले जाते हैं, यही हाल क्या प्रेमनगर प्रेमनगर। ये चालक हैं भाई साहब, ये कितना कैसे चलाते हैं उसमें गाड़ी? अब क्या करें जी, चलाना पड़ता है, वो तो मजबूरी है। यहाँ से कोई पानी की निकासी नहीं, पानी की निकलने कोई जगह ही नहीं है। अच्छा। नालियाँ तो सब बंद पड़ी है, सीवर का कोई इंतजाम नहीं है, तो पानी जो भरता है बारिश का यहीं रुक जाता है। ये देखिए कि सरकार व्यापार को इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कहती है और ये टिम्बर मार्केट का ये हाल है कि यहाँ बिल्कुल पानी भरा हुआ है, जितने भी बेसमेंट वाले गोडाउन हैं सब में पानी भर गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है और सड़क की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 10 हफ्ते 10 मिनट और जो 10 हफ्ते 10 मिनट का जो अभियान शुरू किया है 10 बजे का, उसका भी वो भी यहाँ सवाल खड़े कर रहा है कि लोग घरों की सफाई तो करेंगे, बच्चे घरों की सफाई करेंगे, लेकिन इस तरह से अगर पानी इकट्ठा होगा तो फिर ये भी तो डेंगू के मच्छरों के लिए पनाह देने वाला होगा, इससे भी तो डेंगू के मच्छर पैदा होंगे, तो फिर उस सफाई का क्या मतलब रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल भी है। नागलोई से मुंडका के बीच रोहतक रोड पर सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इलाके से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि बारिश के बाद यहाँ घंटों जाम में भी लोगों को गुजारना पड़ता है, पर खासकर नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।